हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। गाइस, फाइनली JioMart ने अपने JioMart किराना सर्विसेज को शुरू कर दिया है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम JioMart के ऊपर ही बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से JioMart के ऊपर ऑर्डर दे सकते हो और किस लोकेशंस पर इनकी सर्विसेज अवेलेबल है। तो गाइस, चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा आप सभी को पता होगा, कुछ दिनों पहले फेसबुक और जियो ने पार्टनरशिप की थी और पार्टनरशिप के कुछ दिनों बाद ही JioMart जो है अपनी सर्विसेज को लेकर आ चुका है और इसका कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है। बेसिकली यहां पर आपको कोई ऐप वगैरह नहीं मिलता है, आपको जो ऑर्डर प्लेस करना होगा वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही करना होगा और इसके लिए बकायदा यहां पर JioMart का एक नंबर दिया गया है जिसको आपको अपने फोन में सेव करना होगा एंड व्हाट्सएप पर जाकर आपको इस नंबर को सर्च करना है। बेसिकली मैंने JioMart से सेव किया तो मैं JioMart यहां पर सर्च करूंगा और आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी यहां पर ऑर्डर वगैरह कर लिया है चेक करने के लिए, लेकिन मैं आपको वापस से करके दिखा देता हूं। आपको ये पेज ओपन करना है, बेसिकली जो उनका नंबर है, एक बिजनेस अकाउंट है, इसको ओपन करना है और यहां पर सिर्फ हाई लिखकर सेंड करना है। और जैसे आप यहां पर हाई लिखकर सेंड करते हो आपको एक मैसेज आ जाता है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल ये जो सर्विसेज है ये अभी नवी मुंबई, थाने एंड कल्याण में ही अवेलेबल है। फिलहाल तो ये सर्विसेज जो है लिमिटेड लोकेशन पर अवेलेबल है, लेकिन आगे आपको ये सर्विसेज और भी अदर स्टेट्स में देखने मिलने वाली हैं। तो फिलहाल जो है मैं कल्याण के काफ़ी नज़दीक रहता हूं तो इसलिए मैं इस सर्विस को ट्राई कर सकता हूं और यहां पर एक लिंक दिया गया है जो कि 30 मिनट्स में एक्सपायर हो जाएगा और इस लिंक पर मुझे क्लिक कर मेरा ऑर्डर प्लेस करना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और जैसे यहां पर मैं क्लिक करता हूं मुझे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है एक पेज पर जो कि बेसिकली JioMart का पेज है और यहां पर मेरा जो नंबर है ऑटोमेटिकली यहां पर सेव हो चुका है एंड यहां पर मुझे मेरा लोकेशन सिलेक्ट करना है और इसके यहां पर मेरा एड्रेस पूछा गया है, मेरा रूम नंबर पूछा गया है और नेम वगैरह पूछे गए हैं। तो यहां पर मैं इसको फील कर प्रोसीड पर क्लिक करता हूं एंड इसके बाद आपको एक लिस्ट मिल जाती है जहां पर आपको सभी टाइप के ग्रोसरी आइटम्स का ऑप्शन मिलता है। आपको जो जो चीजें चाहिए आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो, उनकी क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हो और यहां पर आपको सबकी प्राइसिंग भी देखने मिल रही है। और इसके बाद आपको जितना चाहिए आप यहां पर ऑर्डर कर लीजिए और उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करके ऑर्डर को कन्फर्म कर दीजिए। और जैसे ही आप इस वेबसाइट से बैक आते हो आपको व्हाट्सएप के ऊपर तुरंत एक मैसेज मिल जाता है। जैसे कि आप यहां पर एक स्क्रीन में देख सकते हो, मेरे यहां पर मुझे वापस एक मैसेज आ चुका है जहां पर एक पीडीएफ मिलता है मुझे और मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूं तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक बिल टाइप आ चुका है, ऊपर JioMart का लोगो आपको मिल जाता है, यहाँ पर मेरे ऑर्डर डिटेल्स है और यहाँ पर नीचे लिस्ट आ चुकी है मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की है और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है और इसकी प्राइसिंग क्या है और यहाँ पर मेरे पास टोटल मेरी जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिखकर आ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट जैसी मिल जाती है कि आपने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की है और इसके नीचे यहाँ पर मुझे छोटा सा मैसेज मिल जाता है कि ये जो ऑर्डर है ये मेरे नियर बाय लोकेशन में जो किराना स्टोर है उस स्टोर से बुक की गई है, वहाँ पर किराना स्टोर का नंबर भी दिया गया है। इसी के साथ में नीचे ये भी लिखा गया है कि कुछ समय बाद जब मेरा ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो मुझे किराना स्टोर की तरफ से एक मैसेज आने वाला है और उसके बाद दोस्तों मुझे दुकान तक खुद चल के जाना होगा, कोई भी यहाँ पर डिलीवरी यहाँ पर नहीं होने वाली है। मुझे दुकान तक चल के जाना है, जो मुझे यहाँ पे पीडीएफ मिला है वो उनको शो करना है और उसके बाद वो मुझे मेरा सामान देंगे, मैं उनको पैसे दूंगा और बात खत्म। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ही अलग टाइप का यूज़ किया गया है। आपका जो प्रोसेस होता है वो आधा ऑनलाइन होता है और आधा ऑफलाइन होता है। आप ऑर्डर ऑनलाइन करते हो और आपको जो डिलीवरी मिलती है आप जब लेने जाते हो तो आपको फिजिकली नॉर्मली जैसे आप शॉप पे जाते हो वैसे ही यहाँ पर कलेक्ट करना पड़ता है। और गाइस इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बेसिकली JioMart ने एक नया कंसेप्ट लेके आया है कि जितने भी किराना स्टोर्स हैं उन सभी से टाइप किया गया है और उस लोकेशन में जो है सर्विसेज को शुरू किया गया है। तो अगर आप उस लोकेशन में रहते हो और आप ऑर्डर करते हो तो JioMart आपके नियर बाय लोकेशन में जो भी किराना स्टोर होगा उस पे आपके ऑर्डर को भेज देगा और वो आपके ऑर्डर को प्रिपेयर कर लेंगे, आपके सारे सामान को पैक कर देंगे और उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा और उसके बाद आपको जो है खुद जाकर वहां पर अपने ऑर्डर को कलेक्ट करना होगा। हालांकि ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि हर एक स्टोर में जो है JioMart की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये जो है लॉजिकल नहीं लग रहा है क्योंकि अगर मुझे खुद ही जाकर सामान को लेकर आना है तो मैं क्यों ऑनलाइन ऑर्डर करूं। मैं खुद ही जाकर शॉप पर ऑन द स्पॉट बोल सकता हूं कि भैया मुझे ये सारे सामान चाहिए और मुझे वो पैक करके दे देगा, मैं पैसे दूंगा, बात खत्म। ऑनलाइन ऑर्डर करने का झंझट ही नहीं होता है। तो यहां पर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि यहां पर कोई जरूरत ही नहीं अगर मुझे खुद ही जाकर लेना है। लेकिन गाइस ये जियो है, ये कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता। तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए लॉकडाउन की वजह से हमें जो डिलीवरीज है वो घर तक नहीं मिलने वाली है, हमें खुद ही जाकर लेना होगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो
जाएगा, मुझे लगता है कि आपको जो है होम डिलीवरीज भी मिलनी शुरू हो जाएंगी और तभी आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अदर जो कंपनीज है जब आप उनसे ऑर्डर करते हो तो आपको काफी टाइम लगता है डिलीवरी के लिए। लेकिन जियो ने इस बार नया कंसेप्ट यूज किया है कि आपके जो नियर बाय लोकेशन के किराना स्टोर्स हैं उन सबके साथ में टाई अप कर लेगा और जैसे ही आप ऑर्डर करोगे आपका जो डिलीवरी है वो फटाफट से आपके पास पहुंच जाने वाला है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अब जो है हम व्हाट्सएप के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं और फिलहाल तो ये सर्विसेज हैं ये लिमिटेड लोकेशंस पे चल रही हैं। आप बोल सकते हो कि फिलहाल टेस्टिंग चल रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सर्विसेज जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलने वाली है। और फिलहाल के लिए आप सिर्फ अपने नियर बाय लोकेशन के किराना स्टोर से ही सामान बुक कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने मिलने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ में इतना बोल सकता हूँ कि जियो मार्ट आने वाले समय में बाकी सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बड़ी टक्कर देने वाला है। सो गाइस ये थी पूरी जानकारी जियो मार्ट को लेकर। और यहां पर और एक चीज बताना चाहूंगा, जब आपने ऑर्डर बुक कर लिया और अगर आपको ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप डायरेक्टली ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर पाओगे और ना ही मॉडिफाई कर पाओगे, उसके लिए आपको शॉपकीपर को कॉल करना होगा और उससे रिक्वेस्ट करनी होगी। तो ये फाइनली मुझे लगता है कि मैंने अभी सब सवालों का जवाब दे दिया और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि हम जल्द ही 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में 500 लाइक्स का टारगेट दिया था, तो अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो फटाफट से अभी लाइक करो। और आज के लिए इतना ही, बस अब वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।